हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संडे एक्टिविटीज़ में। आज हम जानेंगे किचन अप्लायंसेस यानी किचन में उपयोग होने वाले उपकरण, रसोई घर में उपयोग होने वाले उपकरण जिसके नेम हम इंग्लिश में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्रन, एप्रन यानी जो लगाकर खाना बनाया जाता है, एप्रन। सेकेंड है हमारा गैस स्टोव जिसके ऊपर हम खाना बनाते हैं यानी गैस चूल्हा। थर्ड हमारा सिलेंडर जिसके बगैर गैस नहीं जल सकता। ये सारे किचन वाले चीज़ें हैं। थर्ड देखिए हमारा सॉस पैन, किचन की शुरुआत चाय से होती है तो चाय वाला पैन को सॉस पैन कहते हैं। उसके बाद चाय छानने वाले को टी स्ट्रेनर कहा जाता है। फिर हमें कप का जरूरत पड़ता है, कप और नीचे जो प्लेट होता है उसे सॉसर कहा जाता है, कप सॉसर। फिर हम प्रेशर कुकर में दाल जो भी चढ़ाना हो, प्रेशर कुकर को कुकिंग एप्पल भी कहते हैं। फिर है कढ़ाही, इसको हम वॉक कहते हैं कढ़ाई को। उसके बाद झरना बोलते हैं इसको, पूड़ी छानने वाला स्कीमर। फिर स्पैचुला यानी छोलनी जिससे हम सब्जी चलाते हैं, फिर पराठा पलटते हैं। फिर है हमारा आटा गूंथने वाला फ्लोर प्लेट कहा जाता है। फिर है हमारा विस्क जिससे हम अंडे मैश करते हैं, दही मैश करते हैं, जो भी हो विस्क। उसके बाद है कलछी जिससे दाल वाल सर्व किया जाता है, लैडल कहते हैं। सिलबट्टा यानी ग्राइंडिंग स्टोन, इसे ग्राइंडिंग स्टोन कहा जाता है। ईमानदस्ता नीचे वाले को मोर्टार और ऊपर वाले को पेस्टल कहा जाता है। फिर है चॉपिंग बोर्ड जिसपे सब्जियों को चॉप किया जाता है। उसके बाद है नाइफ, तो आपको पता ही होगा चाकू जिससे हम सब्जी कट करते हैं। फिर है हमारा तवा जिसपे रोटी सेकते हैं, उसे ग्रीडल कहा जाता है। फिर इसी रोटी को निकालने के लिए जो चिमटे का इस्तेमाल किया जाता है, टोंग्स कहते हैं। फिर है हमारा रोलिंग बोर्ड यानी रोटी बेलने वाला जो होता है उसे रोलिंग बोर्ड कहते हैं, और जिससे बेला जाता है उसे रोलिंग पिन कहा जाता है। उसके बाद हमारा थाली जिसपे खाना खाते हैं उसे सेल्विन कहते हैं। फिर हमारी कटोरी, किसी भी टाइप की कटोरी को बाउल कहा जाता है। फिर है ग्लास, ये तो सबको पता है, ग्लास पानी पीने वाले ग्लास को कहते हैं। फिर है स्पून यानी चम्मच। इसके बाद फॉक, कांटे वाले चम्मच को हम फॉक कहते हैं। फिर है लोटा जिससे पानी पिया, पहले के लोग पीते थे उसे वाटर वेसल कहा जाता है। फिर जिसपे दूध लाया जाता है मिल्क कैन, और स्टील के बंदर को कनस्तर भी कहा जाता है। इस तरह से हमने किचन के बहुत सी चीज़ों के बारे में इंग्लिश में जाना। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।